नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं हूं पलक गुप्ता। देश अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। वहीं 73वें स्वतंत्रता दिवस के साथ ही आजाद भारत के कई लोगों में आजादी की एक अलग ही अलग जगी है। लेकिन अगर बात करें परतंत्रता की उन बेड़ियों की, जिसमें समाज के आज भी कई लोग और कई बच्चे जकड़े हुए हैं, वो बेसहारा बच्चे और लोग आज भी राह देख रहे हैं, जिसमें समाज का एक तबका जी रहा है। समाज के उन बेसहारा बच्चों के लिए देश में कई संस्था और वर्ग कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से एक समिति है KGN विकास समिति। इस समिति की पहल से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम था एक शाम बेसहारा बच्चों के नाम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि चाहे कुछ पल के लिए ही सही किसी बेसहारा का सहारा बने, जिससे उसे कुछ पल की खुशी मिल सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवाणी, नेपाल भारत समरसत्ता मंच के अध्यक्ष महावीर प्रसाद टोरडी और LC भारतीय मौजूद रहे, जिसका समिति के सदस्यों के द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। यहां बच्चों ने फिल्मी गीतों के साथ ही देशभक्ति गानों पर रोमांचक प्रस्तुतियां दी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इस मौके पर महावीर प्रसाद टोरडी और आयोजक अमर चंद जैन ने ऐसे समारोह का आयोजन पर बात करते हुए अपने विचार रखे। जो 73वां दिवस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ की जो समिति है, उन्होंने ये जो आयोजन किया है और बच्चों का जो रंगारंग कार्यक्रम किया है और अनाथ बच्चों का एक समूह को यहाँ पे बुलाकर उनका जो सम्मान किया है, बहुत सराहनीय है, प्रसन्नीय है। इस तरह के आयोजनों से समाज प्रेरित होगा और बच्चों प्रोत्साहित होंगे। बच्चे को इस तरह के माहौल जब मिलेगा, बच्चों को, आश्रित बच्चों को, और हर 2-3 महीने में इस तरह की संस्थाएं आगे बढ़कर इन बच्चों को प्रोत्साहित करेगी, इनका मनोबल बढ़ाएंगी, तो यही बच्चे IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आज का हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनाथ बच्चों का कार्यक्रम करने का। ये अनाथ बच्चे हैं, इनके सहयोग के लिए मैं सभी देशवासियों से कामना करता हूँ कि इन अनाथ बच्चों का, बेसहारा बच्चों का कार्यक्रम कर करके और पुण्य लाभ कमाएं। आज का हमारा ये मकसद था, आज की शाम बेसहारा बच्चों के नाम हमने ये कार्यक्रम किया है। इन बच्चों को हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, इनके बाद में इनको हम उपहार स्वरूप बैग, टिपन, टी शर्ट वगैरह वितरण करेंगे। हमारे KGN बाग के जितने भी सदस्य हैं, ये इस टीम के मालिक हैं, इनके द्वारा इस अनाथ बच्चों के, बेसहारा बच्चों का है जो कायाकल्प करने के लिए हमारा ये उद्देश्य था, आज इस उद्देश्य में सफल हुए हैं। वैसे इस तरह के आयोजन एक अलग ही संदेश देते हैं, जिससे बेसहारा बच्चों को चाहे कुछ ही पलों की खुशी मिले, लेकिन वो इन पलों को अच्छे से जिए। देश 73वें स्वतंत्रता दिवस पर एक पहल और एक शुरुआत हमें भी करनी चाहिए कि बेसहारा को सहारा बने और उनके कुछ पलों को उनके जीवन के लिए यादगार बनाए। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।